बार साधु का दीजिए। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। हमारे अति पूजनीय गुरु बंदे जी को हम प्रथम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत उपासकों, हम पिछली कुछ धर्म देशनाओं में से कुछ देशना देखने वाले थे आनापान सती के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इस बार मैं आप लोगों को प्रवचन दे पाऊंगा, इसलिए उसको अगले संडे के दिन में पोस्टपोन किया है। आज मैं आप लोगों को वत्थुपम सूत्र या वत्थु सूत्र का उपदेश करने वाला हूँ। ये उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अद्भुत है। इस उपदेश में इस तरह से भगवान का उपदेश है, इस तरह की प्रतिपदा है कि हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो सन्यासी व्यक्ति यानी प्रव्रजक भिक्खु हो, चाहे उपासक हो, गृहस्थ व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि मैं सही मायने में भगवान बुद्ध के धर्म धर्म को धारण करूं और उस धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त करूं, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इसमें बताई हुई प्रतिपदा को समझे। देखिए, हमने बहुत सारे प्रवचनों में भी सुना होगा और भगवान के सभी उपदेशों में भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान के संपूर्ण धर्म उपदेशों का जो सार समाया हुआ है दो शब्दों में है, वो है सचित्त परियोदपनम, यानी कि अपने चित्त को निर्मल बनाना। अपने चित्त को निर्मल बनाना ही भगवान बुद्ध जी के धर्म के महान प्रतिफलों में से एक फल है। ठीक है, अगर चित्त की निर्मलता हम पाते हैं या निर्मल करते हैं, तो हम समुद्री बनते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जितने प्रमाण में निर्मल बनाता है, उतना व्यक्ति सुखी बनता है, क्योंकि जो सही वास्तव में सुख है, शांति है, अपने मन की निर्मलता में ही है। और यहाँ तक कि जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख है, जिसे परम निर्वाण सुख कहते हैं, वो परम निर्वाण सुख आजकल के लोग भाषा में उसको कोई भी शब्द दे, कोई भी शब्द नाम दे, कोई उसे परमात्मा कहे, मोक्ष कहे, कोई भी कुछ नाम दे, ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं कोई क्लेश नहीं है, जहाँ चित्त परिपूर्णतः सुविशुद्ध है, उस सुविशुद्ध स्थान को अगर कोई व्यक्ति पाता है, तो उसके भीतर कहीं कोई आश्रव नहीं होता, कहीं कोई तृष्णा नहीं होती, तो चित्त परिपूर्णतः निर्मल होता है। और ये चित्त को निर्मल बनाने की प्रतिपदा, निर्मल बनाने का रास्ता ही, यानी कि तथागत भगवान बुद्ध जी का धर्म है। तो हमें तथागत सम्यक संबुद्ध का धर्म इस तरह से समझना चाहिए। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मन को निर्मल बनाऊं और मैं भी इस भगवान के बताए हुए धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त करूं, शोधापन्न, सकृदागामी, अनागामी या अरहत्व तो प्राप्त करूं, या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे भी जो परमोच्च स्थान है उन स्थानों को प्राप्त करूं, तो आप लोगों को चाहिए कि जो चित्त को निर्मल बनाने वाली जो बातें हैं या जो भी उसके उपक्रम हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो उपदेश है वत्थु सूत्र, ये मध्यम निकाय में सूत्र आता है, मूल पन्नासक में सात्विक नंबर का सूत्र है और ये बहुत ही सुंदर है। हम बहुत क्रम से ये सूत्र का उपदेश सुनेंगे। ठीक है, इस सूत्र की देशना भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जैतवन विहार में रहते हुए दी है। उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं, सेय्यथापि भिक्खवे वत्थं संकिलित्थं
मलक गही तन। भगवान कहते हैं कि जैसे भिक्षु कोई वस्त्र बहुत मैला होता है, संक्लिष्ट होता है, और जैसे दाग धब्बे लगी हुई, मैल के दाग धब्बे लगी हुई है, और तमेन रज को यस्मिंग यस्मिंग रंग जाते उपसंहरिय, और उस वस्त्र को तब कोई रज का होता है कि अर्थ होता है कोई रंग रंगरेज होता है, रंग देने वाला व्यक्ति, जिस जिस रंग से उसको रंग रंगाने की मतलब रंग देने की उसको कोशिश करता है, यदि नील का है, यदि पीत का, यदि लोहित का है, यदि मज्जित का है, यानी कि कोई नीला रंग हो, चाहे पीला हो, चाहे रक्त वर्ण लाल रंग हो, चाहे मज्जित रंग हो, तो कोई भी रंग क्यों ना, अगर वो रंग लगाता है तो वो रंग ठीक से लग ही नहीं सकता क्योंकि वो वस्त्र मैला है। उसका कारण बताते हैं अपरिशुद्धता, अपरिशुद्धता भिक्खवे वत्सस, उसका कारण एक ही है कि वो वस्त्र अपरिशुद्ध है। अपरिशुद्ध होना ही उस वस्त्र मतलब मूल कारण है कि उसको कोई रंग नहीं लग सकता है। लेकिन अब भगवान उसी प्रकार कहते हैं एवमेव को भिक्खवे चित्ते संकिलिट्ठे दुग्गतिं पाटिगंगा, अगर उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने चित्त को संक्लिष्ट बनाता है, यानी जिसका चित्त विकारों से घिरा होता है, बहुत सारे तृष्णाएं हैं, विकार आश्रव है, उसके दाग धब्बे लगे हुए मन पर, और वो मन पूरा मलिन हुआ है एक एक क्लेशों से, तो ऐसे व्यक्ति की दुर्गति की ही आशा की जा सकती, वो कभी सुगति नहीं जा सकता है। यानी कि इस जीवन में भी बहुत दुख भरा जीवन जीता है और अपना देह छोड़ने के बाद निरयगामी दुख को ही पाता है। भगवान आगे कहते हैं सही था विक्रय वत्थंग परिशुद्धंग परियुदातंग, जैसे कोई वस्त्र जो सुविशुद्ध हो परिशुद्ध हो, तमेनंग रज को यस्मिंग यस्मी रंग जाते उपसंगरित, और तब कोई जो रंगरेज है जो उस वस्त्र को जिस जिस रंग से रंगाना चाहे उसको रंग देना चाहे, चाहे जिसके प्रकार का नीला पीला आदि, तो भली प्रकार से वो रंग रंग उसको मतलब उसको लग जाता है या रंग से वो रंगीन बन जाता है। उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं उस वस्त्र की परिशुद्धता ही ये कारण है कि उसे रंग में वो ठीक तरह से रंगीन हो जाता है। भगवान बुद्ध इसी प्रकार कहते हैं एवमेव खो भिक्खवे चित्ते असंकिलिट्ठे सुगति पाटिकंखा, भगवान कहते भिक्षु इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का चित्त असंकलित है, यानी कि जिसका मन परिशुद्ध है, निर्मल है, उसमें कहीं कोई क्लेश नहीं, तृष्णा नहीं आदि विकार नहीं है, और ऐसे विकार रहित, तृष्णा रहित, क्लेश रहित जिसका चित्त है, उसकी सुगति ही कामना करनी चाहिए, सुगति की ही कामना करनी चाहिए, यानी कि उसके जैसे कि इस जीवन में भी वो बहुत सुख शांति का जीवन जीता है, यानी कि अच्छी अच्छी राह पर जीवन जीता है, ठीक है, यानी कि एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीता है, परलोक में भी अपना देह छोड़ने के बाद सुगति गामी वो स्थान को ही प्राप्त होता है, ये भी सुगति है, वो भी सुगति है, और उन गतियों में सबसे उत्तम गति सुगति कौन सी है? परम निर्वाण की गति, इसलिए भगवान को सुगत भी कहते हैं, जिस परम श्रेष्ठ निर्वाणिक मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करते हुए जो परमोच्च स्थान निर्वाण जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो सुगत कहलाते हैं। तो ऐसी सुगति ही सुगति की ही कामना करनी चाहिए, किनके बारे में? जिनका चित्त जो निर्मल है, सुविशुद्ध है, परिशुद्ध है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर निर्वाण पाना है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे परमोच्च निर्मल अवस्था प्राप्त करनी है, जिसे कहें शून्य अवस्था कहे, मोक्ष कहे, निर्वाण कहे, अगर उस अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे चित्त को निर्मल बनाना चाहिए, अगर निर्मल बनाते हैं तो हम वो स्थान प्राप्त करें। तो इसी और हमें एक और भी एक उपदेश ध्यान में रखना चाहिए, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं भिक्षु हमारा ये जो चित्त है, ये चित्त आगंतुक विकारों से, आगंतुक क्लेशों से ही मलिन हुआ है। यानी कि आगंतुक कैसे होते हैं? हमारा मन है,
अभी मन में कहीं कोई तृष्णा क्लेश नहीं है, लेकिन वो कैसे पैदा होती है? जब हम आंखों से कोई रूप देखते हैं, कोई स्त्री पुरुषों का रूप देखती है, कोई पुरुष स्त्री का रूप देख रहा है, तो मन में उसमें राग जागता है, विकार जागता है। कान से कोई व्यक्ति शब्द सुनता है तो उससे कोई राग आदि विकार जगाते हैं और उसे मलिन हो जाता है। तो ये विकार बाहर से आया हुआ है। उसका भगवान कहते हैं मूलतः तो ये चित्त कैसा है, प्रभास्वर है, निर्मल है, मतलब बिना दाग धब्बे वाला निर्मल है। लेकिन ये आगंतुक क्लेशों के कारण ही ये मन मलिन और मलिन होते चले जा रहा है, मतलब होता ही रहता है। और इससे हमने केवल एक जन्म या 10 जन्म से या करोड़ जन्म से ही एक अपने मन को मैला करते नहीं आ रहे हैं। इस संसार में हमने हम जस मतलब जब जिस तरह से हम यहाँ से संसरण कर रहे हैं, उसका हेतु ही ये है कि इन क्लेशों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि आखिर ये क्लेश क्या है। और उस क्लेशों का ज्ञान न होने के कारण, उसके का मतलब उत्पन्न होने के कारण को नहीं जानते, नष्ट होने के कारण को नहीं जानते, और साथ ही उन तृष्णाओं में ऐसे बंधे हुए हैं कि उसी को सुख मानते हैं। जैसे कि चक्षु से अगर रूप देखकर वहां जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसी को सुख मानते हैं, अरे कितनी सुखद है। जो तृष्णा उसको दुख देने के लिए बार बार जन्म लेने के लिए कारण बनती है, बार बार बुढ़ापा देने के लिए, बार बार मृत्यु आने के लिए कारण बनती है, उसी तृष्णा का व्यक्ति अभिनंदन करता है। और इसी कारण से व्यक्ति बार बार क्या करता है, अपने मन के मैल को और परते चढ़ाता है, चढ़ाता है। तो लेकिन ये जो धर्म का मार्ग है, ये धर्म का मार्ग ऐसा है कि जो मन पर जो क्लेशों के विकारों की जो परतें चढ़ी हुई होती है, उस एक एक परत को ये धर्म उसे निकाल देता है, उसके शुद्ध करता है, निर्मल बनाता है। तो इस तरह से ये चित्त निर्मल बनता है जब वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाता है और सत्य का दर्शन करता है कि ये कारण है, ये मतलब ये दुख है, उसका ये कारण है, ये कारण दूर होने से ये दुख दूर हो जाता है। यानी कि जैसे कि जन्म दूर हो जाता है जब भव दूर हो जाता है, अगर ये भव का निरुद्ध हो जाता है तो दुख का अस्तित्व भी नहीं रहता, निरुद्ध हो जाता है, और उसकी निरोध की ओर ले जाने प्रतिपदा मार्ग ये है। तो इस तरह से अवबोध करने के बाद उसके भीतर कहीं कोई मतलब आश्रय नहीं रहता, क्योंकि आश्रय उत्पन्न करने योग्य कोई ऐसा आधार ही नहीं मिलता है ना, कोई मतलब ऐसा सपोर्ट ही नहीं मिलता कि जिससे कोई जिसे आलंबन को लेकर कोई आश्रय पैदा हो। ठीक है, तो इस तरह से अनाश्रय होकर वो विमुक्त पाता है। तो आप समझ अभी सकते हैं कि इस सूत्र देशना में जो भगवान ने उपदेश दिया है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे समझना है कि ये किस तरह से निर्वाण की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल बनाता है तो उसी से ही आकांक्षा की जा सकती है, आशा की जा सकती है कि वो उत्तम गति सुगति प्राप्त कर ले, यानी कि निर्वाण गति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चित्त को मैला बनाने वाले कौन से उपक्लेश हैं, तो भगवान उसके बारे में आगे बताते हैं। ये उपक्लेश कौन से हैं? अभिज्ञा विषम लोभो चित्तस्य उपक्लेशो। ये अभिज्ञा यानी कि अभिज्ञा यानी कि लोभ और विषम लोभ। अभी यहाँ दो शब्द हैं, ठीक है, तो पहले हर एक शब्द को समझना है कि अगर अगर हमने उसको समझा नहीं है, उस बात को अगर नहीं समझा है तो हमें उसका ज्ञान अज्ञानता रहेगी। अगर उसके अज्ञानता रहेगी उसको अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, तो उस धर्म को नहीं समझेंगे, उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, तो उसको अपने धारण कैसे कर लेंगे? अगर धारण नहीं कर लेंगे उस बात को तो उसके महान प्रतिफल को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए हर बात को समझना है कि आखिर वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं हर शब्द का प्रयोग भी मतलब अर्थ भी बताऊंगा कि आखिर ये धर्म की बात क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो अभिज्ञा, अभिज्ञा यानी लोभ होता है जैसे, और ईशा यहाँ दूसरा जो है विषम लोभ, वो भी लोभ ही है लेकिन उसके प्रकार अलग है। तो अभिज्ञा का अर्थ होता है जैसे कोई अपनी वस्तु हो, जैसे कोई वस्त्र हो, जैसे खाना पीना हो, जो आपने उपयोग लाने वाली और भी चीजें हैं, जैसे घर है, गाड़ी है, और भी कोई चीज है जो अपनी है, लेकिन उसके प्रति इस तरह से तृष्णा रहती है, इस तरह से आसक्त रहती है
कि उसमें मन ऐसा बंध जाता है, तो लोभ जागता है और उसके प्रति इतने गहरा बंधन राग जागता है, उसको कहते हैं छंद राग। अपने ही चीजों के प्रति जो विशेष प्रकार का जो लोभ जागता है, उसे राग आसक्ति जागती है, तो उसे कहते हैं अभिज्ञा। ठीक है, लेकिन जैसे कायानुपस्सना का अभ्यास करते हुए अभिज्ञा दो बनस्सं कहते हैं, तो ये अभिज्ञा दो बनस विनय लोके, उसको दूर होना बहुत जरूरी होता है। तो अपने ही चीजों के प्रति जो लोभ जागता है, तो ये अभिज्ञा लोभ कहलाता है, सामान्य लोभ कहते हैं, युक्त लोभ कहलाता है। और जो दूसरों की चीज है, यानी कि जो अपनी नहीं है, उसका मालिक स्वामी कोई और है, और उन चीजों को भी हम अपना चाहते हैं, उसको भी लेना चाहते हैं, उसके प्रति हमारी आसक्ति बनती है कि अरे ये चीज मेरे पास नहीं है ना, तो उसको पाने के लिए जो हम कामना करते हैं, जो राग जागता है, परभंडे छंद राग, दूसरे दूसरों के चीजों के प्रति का जो छंद राग है, आसक्ति है, वो आसक्ति वो कहलाती है विषम लोभ। ये क्या है? उपक्लेशो, चित्तस्य उपक्लेशो, ये चित्त का उपक्लेश है। व्यापादो चित्तस्य उपक्लेशो, व्यापाद का अर्थ होता है कि द्वेष भाव, किसी को किसी के प्रति इस तरह का कोई अप्रिय व्यवहार करते हैं कि जिससे जिससे कि उसको कोई आघात हो, उसकी हानि हो, तो उस तरह का जो भाव मन में जागता है उसको व्यापाद कहते हैं, यानी कि द्वेष भाव कहते हैं। ये चित्त का उपक्लेश है। और है क्रोध, क्रोध यानी क्रोध, जो चित्त में कुपित तो भाव होता है, वो भी क्रोध भी जब आता है तो व्यक्ति चाहता है कि इससे कोई उसे उसको मार दो, उसे हानि कर दो, उसे नष्ट कर दो, तो उसको जो कोप आने का भाव है, प्रकोपित जो मन होता है, दुष्ट चित्त जो पैदा होता है, तो उसी को कहते हैं क्रोध। और ये क्रोध भी क्या है? चित्त का उपक्लेश है, चित्त का मल है। जिस व्यक्ति में लोभ जागता है, क्या उसमें वो चित्त मलिन नहीं होता है? वो चित्त मलिन होता है। जिसमें द्वेष जागता है, दूसरों को हानि पहुंचाने का तीव्र दुर्भाव जागता है, वो मन को मैला करता है। लोग कहते हैं, करते हैं कि इस तरह से करते हुए लोग लगता है कि मैं एक स्वाभाविक अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को सुखी बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि वो अपनी शांति को इस कदर को नष्ट कर देता है कि केवल इस जन्म में ही नहीं, तो उसको और बार बार जन्म तक, अनेक जन्मों तक उसकी शांति उसे भंग कर सके, ऐसे वो आघात, ऐसे संस्कार, ऐसा मल अपने मन पर डाल देता है। इस उस मैल की परत इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति लोभ के कारण, द्वेष के कारण, क्रोध के कारण बहुत बड़े बड़े पाप करता है और हजारों लाखों करोड़ वर्षों तक नरक में पकता है। तो इस तरह से व्यक्ति इन क्लेशों के कारण, उपक्लेशों के कारण अपने मन को मैला करता है। और भगवान कहते हैं उपनाहो, उपनाहो, उपनाहो का अर्थ होता है कि किसी के प्रति कोई आघात बनाता है, कि यानी कि कोई कि किसी ने आप हमारे प्रति बुरा व्यवहार कर लिया, और उस बुरे व्यवहार के कारण मन में इस तरह से गांठ बांध लेता है कि कोई कहता है कि चाहे वो कुछ भी करे मैं तो उसको माफ नहीं कर सकता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। खास करके आजकल लोग जो युवा लोग हैं और किसी कारण से एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और कुछ कारण से वो बिछड़ जाते हैं या कुछ हानि धोखा देते हैं, तो ऐसा करने के बाद उसको उनको लगता है कि मेरे मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर लिया है, अभी मैं उसको माफ नहीं करा, सारे दुनिया के प्रति मैं मैत्री प्रेम करूंगा या मेरे कोई किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, लेकिन उसको मैं माफ नहीं करूँ, एक नहीं 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा बोलते। तो ये जो इस तरह की जो गांठ बांध लेता है, तो इससे मन मलिन होता चला जाता है। तो इस तरह से वो प्रभास्वर नहीं बनता, उस जैसे कि चांद चंद्रमा है और बादलों से ऐसा घिर जाता है, तो उससे वो चंद्रमा प्रभास्वर नहीं होता है, आभासित नहीं होता है, वो ब्लर हो जाता है उसके आभा। तो उसी प्रकार ये जो मन है, वो इस तरह के उपक्लेशों के कारण अभी देखने में कितना छोटा है, किस तरह से हमारे मन में आता है और हमें हमारे मन को इस तरह से मलिन कर देता है, सोच भी नहीं सकते ना। और
इस तरह का विचार जो पुनंग पुनंग चित्तं परियोनंदंतो, यानी कि मतलब इस तरह का चित्त उस मतलब परिगृहित ऐसे गांठ बांध लेता है और वो बार बार इस विचार को दोहराता है, तो ये जो विचार है इस चित्त का भाव है, इससे कहते उपनाह और इससे मन मलिन होता है। और भगवान कहते हैं मक्खो, ये जो मक्ख है, वृक्ष का अर्थ होता है यानी कि दूसरा कोई हमारे भाषा में कोई और शब्द नहीं, इसलिए इन्हीं शब्दों का अर्थ समझ लीजिए जिससे कि आपको उसको अपने जीवन में जो भी उसके भाव को समझने समझे और उसको दूर करने का प्रयास करें, है ना। जैसे संस्कृत में कहें तो उसको वृक्ष कहते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो कोई व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को बहुत सारा धन देता है या उसका कोई भला करता है कि उसको कोई सुखी बनने का कोई साधन देता है और वो व्यक्ति अपनी उन्नति करता है, लेकिन बाद में उसी के प्रति ईर्ष्या जागती है और लगता है कि अरे इस अपने इसके कारण मतलब मेरे ही कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वो जो भला किया हुआ है तो उसको मतलब उसको उसको कैसे हानि करे, या उसके जो भी सद्गुण बढ़ाने में मदद करता है तो उसके सद्गुणों को ढांकने के लिए या उसको उसको नष्ट करने के लिए जो प्रयास करता है तो वो होता है मक्खो यानी मृक्ष होता है। और कोई सन्यासी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को यानी कोई भिक्खु व्यक्ति भी हो तो किसी भिक्खु सामने को या किसी को धर्म का ज्ञान बताते हैं या बहुत सारी चीजें धर्म विनय में अच्छा बनाते हैं, धर्म कथी बनाते हैं, और बाद में उन्हीं भिक्षु का जब चार मतलब लोगों के बीच में समाज में जब प्रशंसा होती है तो उसको देखने के बाद सुनने के बाद मन में ईर्ष्या जागती है और मतलब ईर्ष्या जागने के कारण उसका मन इस तरह से मलिन हो जाता है कि उसका वो लाभ है वो उसे किस तरह से उसे ढक दूं या किस तरह से उस लाभ को मैं हानि पहुंचाऊं, तो ये जो उसका भाव रहता है तो ये कुशल नहीं है, ये अकुशल है और इससे मन मैला होता है। इस स्वभाव को कहते हैं मक्खो यानी कि मृक्ष कहलाते मैं कहते हैं। और भगवान कहते हैं ये मक्ख भी क्या है, उपक्लेशे चित्त का चित्तस्य उपक्लेशो, और भगवान कहते हैं पलासो, पलासो एक शब्द है जो ल को ला भी बोल सकते हैं पलासो, तो पलासो का अर्थ ये होता है कि ये भी एक उपक्लेश है, चित्तस्य उपक्लेश है। और ये चित्त का उपक्लेश इस तरह का है कि किसी के कभी कभी क्या होता है कि अपने लाभ अलाभ को देखता है, दूसरे के लाभ अलाभ को देखता है, जो अपने पास है दूसरों के पास है, तो ऐसा देखने के बाद या स्वयं भी इस तरह का प्रयास करता है कि दूसरों का भला हो, लेकिन बाद में इस तरह का मतलब एक एक मान जागता है, ईगो आता है कि कोई व्यक्ति का मतलब कैसे होता है कि मैं थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए करके भाग रहता है ना। तो वो हमेशा कोशिश करता है कि स्वयं उस व्यक्ति के प्रति बोलता है, इस तरह से व्यवहार करता है कि देख तेरे और मेरे में क्या विशेषता है, ठीक है, मैं तू कैसे क्या है और मैं क्या हूँ, ठीक है, दूसरों को भी इस तरह की जो बातें बताता है। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है लेकिन अपने आप को इस तरह से मतलब ये अपने मन को मैला करने वाली क्रियाएं करता है, अपने मन को मैला करने वाली बातों का अकुशल का मार्ग का चयन करता है और दूसरों के प्रति का सद्भाव करुणा हितैषी भाव वो कम हो जाता है और इस तरह का मान आ जाता है और वो तुलना कर लेता है कि देख मैं और तू में क्या विशेषता है आदि आदि, ने वो स्वयं उसको बताता है दूसरों में प्रकट करता है आदि। तो ये भाव भी ये उसको बोलते हैं पलासो, ये पलासो चित्त का उपक्लेश है, चित्त को मलिन करने वाली बात है और ये मलिनता ऐसी है कि जो व्यक्ति के चित्त को प्रभास्वर होने नहीं देती है, निर्मल बना नहीं दे मतलब उसको एक मुक्ति के लिए बाधा है, जो निर्वाण के लिए मोक्ष के लिए जो भी है शून्य कहें उसको पाने के लिए बाधा डालती हैं। और आती है ईर्ष्या, ईर्ष्या चित्त का मल है। तो ईर्ष्या क्या ने क्या होते हैं, जो परे संग सत्कारादीनि खीयना, यानी कि दूसरे की कोई यानी कि लाभ सत्कार है, किसी का सुख देखकर अपने से अधिक सुखी देखकर ईर्ष्या जागती है, अरे वो सुखी है ना,
किसी को किसका सम्मान होते देखने के बाद ईर्ष्या जागती है, और किसी के कोई व्यक्ति के सुंदर कपड़े पहनता है तो अपने कपड़े की ओर देखकर ईर्ष्या जलन हो जाती है कि अरे मेरे पास नहीं, वो इतने अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है ना। तो कुछ कुछ लोग जलते हैं। अभी अपने बारे में जब ऐसी स्थिति आती है तब उसे पता भी नहीं चलता कि मैं कब कब ईर्ष्या कर मतलब मेरे पद पैदा हुई और कब मैं इससे जलता हुआ चला गया। लेकिन दूसरों को ऐसे बोल सकता है कि जब मतलब बताते हुए बोल सकता है कि कभी ईर्ष्या नहीं करना है, जलन करना अच्छा नहीं है, जलन की मतलब ऐसे ऐसे कुछ बुराइयां हैं करके बताते हैं। लेकिन स्वयं जब उसको महसूस कर लेता है तब पता ही नहीं चलता कि हम ईर्ष्या से मतलब जल रहे हैं। तो ईर्ष्या भी एक चित्त का मल है, अपने मल को मलिन बनाने का एक कारण है ईर्ष्या। ठीक है, तो सभी जितने भी चीजों से ईर्ष्या आती है तो किसी किसी के सुंदरता पर, खास करके महिलाएं जब स्त्रियां जब दूसरे सुंदर स्त्रियों को देखते हैं तो ईर्ष्या ज्यादा करती हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए सुंदरता एक बल की तरह होता है जो मतलब एक विशेष होता है, इसलिए उसको लेकर ज्यादा ईर्ष्या जागती है। तो ये अपने मन को मैला करती है, इस तरह मैला करती है कि उसका जो मन है वो एकदम डिम होता चला जाता है, फेंट होता है, वो प्रभास्वर होने से उसको मतलब उसका बल छीन लेता है और व्यक्ति और भी अपने इस मलिन बनता हुआ दुर्गतिगामी बनता है। उसके बाद में आठवां चित्त का उपक्लेश है मच्छरीय। मच्छरीय कहने के मात्सर्य कहते हैं उसको। तो मच्छर का अर्थ होता है जो अपने अपने अपनी चीजें हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आप हम उपयोग करने वाली और भी चीजें हैं, तो अपनी चीजों को कोई भी व्यक्ति उसको छू ना ले, मतलब उसको उपयोग ना करे, तो वो मत्सर है। कभी कभी क्या होता है, दान देने का मन होता है, कोई चीज हम किसी को दान करते, जैसे भंते जी को कोई दान देते हैं, तो बाद में मतलब इस तरह का मत्सर आता है कि अच्छा लगता नहीं भीतर से कि मैं उसको दे दूं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं भी उसे रख दूं तो अच्छा है। कभी कभी मैं ऐसे भी लोग देखता हूँ कि कुछ लोग दान करते हैं, और दान करते हैं कि भोजन बांटते समय उनके चम्मच में मतलब चावल आता ही नहीं है, मतलब ऐसा करते करते छोटा छोटा से आ जाता है ना। मतलब कुछ ऐसे कोई सब्जी बांटते समय भी थोड़ा सा मतलब उनको लगता नहीं कि वो चीज है, वो उदार मन से मैं त्याग दूं, तो इस कारण से उसका चित्त उससे बंध जाता है और उसको लगता है कि मैं ये न दूं या कम दे दूं तो अच्छा है। जैसे कभी 1 रुपया दान देने के लिए निकालता है, उसको बाजू में कर देता है, लेकिन दू या न दू करके करते हुए सोचते सोचते उसमें से 50 पैसे दे देता है। तो उसका ये मतलब अपनी मतलब जो अपनी चीज है, अपनी वस्तु है, उसको दूसरे कोई भी उसका इस्तेमाल न करे, दूसरे लोग उसका लाभ न उठाए, ये जो मन का भाव है ये चित्त का उपक्लेश है, इसे कहते हैं मत्सरीय। ठीक है, जैसे कोई किसी का घर होता है तो वहां कोई और व्यक्ति जा कर रहे पसंद नहीं है, है ना। कोई किसी की वस्तु होती है कोई भी हो तो उसको कोई और भी उपयोग ले, उसको पसंद नहीं। यहाँ तक कि लोग ऐसे, यहाँ तक अपना भाई होता है, अपने माता पिता होते हैं, उनको भी अगर कोई उन्होंने भी उस चीज को अगर छू लिया तो बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आना एक दूसरा मल है, लेकिन वो न छुए करके ये जो विकार है वो अपने आप में एक और एक मल है, विकार है जो अपने मन को मैला करता है। ठीक है, तो ये मच्छरीय है। माया, माया एक उपक्लेश है। ठीक है, चित्त का उपक्लेश है, चित्त का मतलब एक मलिन करने वाला एक विकार है। तो माया का क्या अर्थ होता है, वंचनिकचर्या। वंचनिकचर्या ने किसी को धोखा देते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब जैसा होता है वैसे वो प्रकट नहीं करता है, यानी कि जो दुर्गुण होता है अपने दुर्गुणों को वो ढक देता है और अपने सद्गुण प्रकट करने के लिए कोशिश करता है कि हम कितने अच्छे हैं। कोई व्यक्ति मतलब कोई किसी में कोई मतलब दुर्गुण होते हैं तो उन दुर्गुणों को मतलब बहुत कम तरीके से मतलब वो प्रकट करता है, वो माया भी है। यानी कि जो अच्छा है उसको मतलब बुरा होने का कोई व्यक्ति ये करता है, जैसे तो कोई कम बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो
बुरे लोग होते हो वो अच्छा होने का जो दिखावा करते हैं, तो जो करने का जो मन में भाव जागता है, तो ये माया विवर्तन है, ये मन का उपक्लेश है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी छोटी बातें होती है जिन बातों से हम मतलब अपने इस मायावी वर्तन को अपनाते हैं। कभी बहुत नॉर्मल बात होती है, मेरे पास तो बहुत है बोलते हैं ना, जो मतलब नहीं होता है, ठीक है ये तो मेरे पास बहुत है, मतलब हालांकि उसमें उनको कोई दोष नहीं दिखाई देता है, लेकिन वही बात वो मतलब जो होती है वो प्रकट नहीं करते हैं, जो प्रकट करने योग्य जो की हुई होती है वो उनके मन में नहीं होती है। तो ये होता है माया विवर्तन, और माया अपने मन को मैला करती है, और इस कदर मैला करती है कि उसको प्रभासर होने नहीं देती है। फिर आता है दसवा, ये आता है साठेय, यानी कि अभी देखिए साठेय का अर्थ ऐसा होता है कि कोई कपटी आदमी होता है, कपटी का अर्थ होता है, अभी अर्थ का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, अगर अर्थ गलत हो जाता है तो हम उस चीज को मतलब जो दुर्गुण है तो दुर्गुण को दूर नहीं कर सकते, अगर हमें हम समझे ही नहीं कि ये दुर्गुण है, तो उस दुर्गुणों को दूर करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए सही अर्थ समझना जरूरी है। ठीक है, साठिय का अर्थ होता है कि कोई कपटी व्यक्ति होता है, कपटी व्यक्ति का अर्थ होता है कि केवल अपने जहां मतलब इस तरह का व्यवहार करता है कि जिस व्यवहार में सिर्फ अपना भला हो, मतलब उसके अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या बाकी सामाजिक लोगों के साथ इस तरह का उसका व्यवहार होता है कि जब किसी तरह से अपना लाभ हो जाए, मतलब अपना अपने स्वार्थ की बात अगर हो जाती है और बाकी कुछ भी हो जाए उसमें अपना ही स्वार्थ देखने तक ही वो उसका व्यवहार बना रहता है। तो ये व्यवहार बहुतांश लोग, बहुतांश यानी कि सब में है, कोई व्यक्ति में कम ज्यादा प्रमाण में होता है, लेकिन ऐसा स्वभाव होता है, इसीलिए हम इस संसार में है, क्योंकि चित्त में ये मल का दाग ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये उसको एक उदाहरण दिया है, एक समुद्र में केराटिक ऐसी मछली होती है जो बहुत बड़ी मछली होती है, जो दूसरे छोटे बाकी सभी मछलियों को खा जाती है, तो वो क्या करती है, उसकी जो पूंछ होती है थोड़ी सी ऐसी बहुत पतली होती है, बाकी मछलियों की तरह ही उसकी पूंछ का भी आकार होता है, वो क्या करती है अपने मुख के सामने ऐसा ये करती है, उस पूंछ को ऐसे हिलाती है और बाकी मछलियों को भी इस तरह से प्रकट करती है कि देख मैं भी मतलब तुम लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी मछली, ऐसे करके उनका ये करती है, और बाद में उस सबको खा जाती है, मतलब वह अपना स्वार्थ वो ये कर लेती है, मतलब ऐसे व्यवहार करती है या ऐसा मतलब ये करती है कि जिससे कि बाद में उस सबको खा जाए। ठीक है, तो इस तरह का जो है कपटी व्यक्ति होता है, तो ऐसा जो जिस व्यक्ति में जिस प्रकार के अगर भाव रहता है कि बस अपने स्वार्थ की बात करते मतलब एक साधने के लिए दूसरों का उपयोग करता है, तो वह अपने मन को स्वयं मैला करता है, इस तरह से मैला करता है कि उसका मन बहुत ऐसा धुंधला हो जाता है, फेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है साठेय, ये चित्त का मल है और इसे दूर करना है। अभी हम इसको एक एक अर्थ समझते हैं, फिर भगवान आगे कहते हैं थम्बो, थम्बो एक चित्त का उपक्लेश है, चित्त को मैला करने वाला क्लेश है, क्लेश और उपक्लेशों में थोड़ा सा ये है। ठीक है, क्लेश यानी कि जैसे कि राग द्वेष मोह को क्लेश कहते हैं, यानी उसके अंतर्गत जो आने वाले जो उसको सपोर्टिव जो बात चीजें होती है जिसके कारण ये लोभ द्वेष मोह राग द्वेष मोह उभर कर आता है या उसकी मतलब जो ताकत बढ़ जाती है, तो उन विकारों को उपक्लेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि चित्त को जो प्रभासर होने न देने वाले जो चीजें हैं उसको उपक्लेश कहते हैं। ठीक है, तो थम्ब, थम्ब का अर्थ होता है कि जैसे कोई ऐसा मान होता है, जैसे कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने कारण, जाति के जन्म लेने कारण, या ताकतवर होने के कारण, या उम्र के कारण, देखिए कोई बूढ़े उम्र वाले लोग होते हैं उनको अगर थोड़ा सा भी कुछ कहे तो लगता है अरे ये कल के बच्चे हैं, है ना, अभी हमें बोल रहे हैं, तो बहुत ईगो हार्ट होता है ना, उम्र के कारण। और प्रवचितों में भी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि कभी काफी उनके वर्षावास होते हैं, वर्षावास यानी कि स्थवीर महास्थवीर होता है, नए भिक्षु ने उसको पूछ लिया बंदे जी आपके वर्षावास कितने हैं,
या आपका नाम क्या है, तो बहुत गुस्सा आता है ना। तो ये मन का स्वभाव है, ये विकार है। स्वभाव यानी कि मन का संसार में संसरण करते बहुत सारे मैल चढ़े हुए होने के कारण वो विकार उभर कर आता है और पता नहीं चलता है कि ये मन को मेरे मन मैला करने वाले विकार है, उपक्लेश है, नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो थम्ब यानी कि बहुत सारे जो मान का आता है, जैसे कि थत भाव, यानी कि जैसे कि मतलब विनम्रता नहीं आती, झुकना उसका स्वभाव नहीं आता, झुकना यानी कि विनम्रता भाव नहीं आता है, उसमें मान आता है। तो ये है चित्त को मैला करने वाली बात, और चित्त को इस कदर मैला करती है कि उसको बिल्कुल ऐसा मतलब फेंट बनाती है, उसको ब्लर बना देती है, उसके ऊपर अभाव को छीन लेती है, निर्मलता को छीन लेते हैं। ठीक है, और बाद में आता है सारंभो। सारंभो एक चित्त का उपक्लेश है। अभी उसका इसका अर्थ ये होता है कि परदत्तूरीकरणो मान, वो भी एक मान का ही प्रकार होता है, लेकिन इस तरह से होता है कि किसी का कोई व्यक्ति भला करता है या कोई चीज देता है, लेकिन बाद में मतलब उसी को ही नीचा दिखाने के लिए, या मैं कैसे उससे श्रेष्ठ हूँ या अच्छा हूँ इसको दिखाने के लिए कोई प्रयास करता है। प्रवर्जितों में भी ऐसा होता है, गुरुशी व्यक्तियों में भी ऐसा होता है, यानी कि कोई भी हो, छोटे से छोटा भी व्यवहार क्यों, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा उपकार की बात हो, अगर छोटी से छोटी बात को लेकर भी मतलब इस तरह के उपकारों का आधार लेकर उसी को मतलब उसका भला देखते हुए फिर उसी को हानि पहुंचाने के लिए, उसको फिर वापस लेने या उसको विनाश करने के लिए जो मतलब भाव जागता है, ईगो जागता है, तो उसको कहते हैं सारंभ। फिर कहते हैं बाद में चित्त का उपक्लेश है मान। ये मान जैसे होता है कि मान भी तीन तरह का होता है, तो उसमें से एक ये भी मान होता है कि मैं और ये सामने वाला व्यक्ति, ये हम एक जैसे समान हैं, है ना। तो ये भी हम जो तुलना करते हैं तो हम अपने आप को मतलब इस तरह दिखा देखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो ये मान है। कोई दूसरों को लगता है कि ना अरे ये मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ये मैं ऐसा नहीं हो सकता या मैं ऐसा नहीं पा सकता, तो ये भी उसका हीन मान है। ये मान अभी ये देखिए ये भाव कितना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम ऐसा जहाँ कहीं मतलब व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने का अर्थ है चित्त में उत्पन्न करते हैं, तो क्या करते हैं चित्त को मैला करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते वो उपक्लेश कितना सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता कि हम कब, जैसे कि ये मान ऐसा है कि कभी कभी कहते हाँ ये तो मैंने काम किया है, अरे मेरे अलावा कौन कर सकता है ना। किसी ने कहता अरे तूने इतने किया क्या, मैंने तो इतने सारे काम किए हैं, है ना। मतलब पता ही नहीं चलता कि ये मान कब आता है, मतलब दिखने में या बोलने में पल भी नहीं लगता है अपने मन को और मैला बनाने में, लेकिन ये विमुक्ति में बाधक है। इसलिए भगवान के जो श्रावक होते हैं वो विमुक्ति को पसंद करते हैं, विमुक्त होना चाहते हैं, इसलिए इस किसी भी तरह का मतलब जो उपक्लेश है उसको अपने मन में जगह नहीं देते, समझते हैं कि ये उपक्लेश है और समझते ही उसको दूर करते हैं। ठीक है, तो हम वो भी देखते हैं अगले देशना मतलब आगे की देशना में आते हैं, तो पहले उनका अर्थ समझते हैं। फिर होता है अतिमानो। अभी अतिमानो का अर्थ होता है कि मतलब सभी लोगों को या लोग जो चीजें उपयोग में कर, जैसे कोई भिक्खु है तो वस्त्र यूज करते हैं, तो वो इस तरह से करता है कि अरे मेरा जैसा किसी के पास नहीं है ना, मैं जो खाना खाता हूँ वो सबसे अच्छा स्वादिष्ट है, मतलब कोई मैं जहाँ जिस तरह से रहता हूँ एकदम अच्छी जगह है, कुटी मेरा पॉश है और अच्छे हैं, ये दूसरे लोगों को क्या, ऐसे तो होना उनका स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति जाति के कारण मतलब वो अति उच्च जाति के कारण, कोई उम्र के कारण, कोई निरोगी होने के कारण, कोई अलग अलग ऐसे मतलब ये आते हैं मतलब मान बढ़ाने वाले, लेकिन उसमें अति भाव आता है, मतलब बाकी सबको नीचे करके अपने आप को बड़ा दिखाने देते हुए जो चीजें होती है मतलब अतुच्च यानी कि होने के जो भाव मन में जागता है, अरे उससे मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ या उससे ज्यादा अच्छा हूँ, तो
अभी देखिए कि ये कोई व्यक्ति, इसलिए भी कोई शीलवान व्यक्ति कोई कभी ये नहीं करता कि ये दुष्शील व्यक्ति और मैं ही शील पालन करता हूँ। देखो कैसे लोग हैं, इनको क्या समझ में आता है, ये हम ही है ऐसे जो शीलवान है। ठीक है, ये तो ऐसे ही है। तो मतलब कोई अपने को जैसे कि दूतांग धारण करने वाला व्यक्ति भी किसी को ऐसा नहीं कहता है कि देखो ये बाकी लोग नहीं करते, दूतांग इनके बस की बात नहीं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे भौतिक मतलब गृहस्थ लोग हो, चाहे सन्यासी लोग, ये क्लेश बनता है, लेकिन पता ही नहीं चलता ये मुख से निकली हुई बात, जो मन में उत्पन्न हुई ये बात, ये अतिमान रूपी उपक्लेश है, और जो अपने मन को इस तरह से मैला कर देती है, इस तरह से उसको निरभ्र कर देती है, मतलब उसको निस्तेज बनाती है कि वो मतलब उसका स्वाभाविक स्वभाव उसको छीन जाता है। ठीक है, तो ये चित्त का उपक्लेश है जो निर्वाण की बाणी में वो बहुत बड़ी बाधा है, और इसे समझना चाहिए। बाद में आता है मद। वैसे मद कहा जाए तो यानी कि कोई जैसे कि नशे की तरह की बात होती है, कि उसमें कोई कोई मतलब अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है, उसमें होने वाली या वो स्वीकार करने जैसी बात नहीं आती। जैसे कोई व्यक्ति किसी में यौवन मद होता है तो उसको लगता ही नहीं कि अब मैं तो बुढ़ापा बुढ़ापा आएगा, क्योंकि आजकल बुढ़ापा छुपाने के लिए बहुत सारे उपयोग का प्रयोग करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, और कहते हैं कि अब मैं तो बूढ़ा नहीं होगा, कोई और बूढ़ा होगा। किसी को बूढ़ा कह जाता तो कभी बहुत बुरा भी लगता है, अरे मुझे बूढ़ा कह दिया, और खास करके महिलाओं को कह दिया तो और भी बूढ़ा लगता है, इसीलिए महिलाएं ज्यादा उम्र अपनी बताती नहीं है, है ना। हैप्पी बर्थडे बोलने के बाद बर्थडे ही होता है, उसका ईयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो मद आता है, यौवन मद के कारण व्यक्ति मस्त हो जाता है, आरोग्य मद के कारण मतलब जो निरोगी काय होती है, तो उसमें इस तरह का मद आ जाता है कि वो उस पे आधार पर कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, मतलब अच्छा बुराई को वो देखता नहीं है, लगता है कि अरे बाकी दुनियादारी लोग तो रोगी बनेंगे, मैं तो स्वस्थ हूँ, और उसमें रहकर वो मतलब अच्छा बुरा मतलब जो भी है जैसे व्यवहार करता है। तो ये मद होता है, और जीवित मद होता है कि लोग बाकी लोगों को मरते हुए देखता है लेकिन अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता कि मैं भी मरने वाला हूँ। सोचता है कि मनुष्य का आयु प्रमाण पहले जमाने में 100 साल जीते हैं, लेकिन अभी अभी ऐसा भी सोचेंगे कि 60-70 साल जिएंगे, तो मुझे तो उतने साल तक कुछ होने वाला नहीं, मैं कम से कम मैं 60-70 साल तो जी लूंगा ही। ठीक है, तो मतलब अपने आप को मतलब ऐसा मृत्यु के स्वभाव को नहीं देखता है, तो ये मद में मोहित हो जाता है, मतलब क्या मस्त हो जाता है, और ये इस तरह का मन का एक भाव है जो चित्त को मैला कर देता है, ये उपक्लेश है मद, और ये मद इस तरह से भी मैला कर देता है कि उसके चित्त का जो स्वाभाविक भाव है, निर्मल भाव है, उसको पूरा मतलब ढक देता है, और उसको ब्लर बनाता है, मतलब उसको धीमा बना देता है, तो ये चित्त का उपक्लेश है। बाद में आता है 16वां जो उपक्लेश है, प्रमादो। प्रमादो चित्त से उपक्लेशो, ये प्रमाद चित्त का उपक्लेश है। तो प्रमाद क्या होता है कि कोई व्यक्ति मतलब बुराइयों को छोड़ता है और अच्छाइयों को अपनाता है, लेकिन फिर उसका मन कभी कभी उस बुराइयों की और उसके मतलब मन दौड़ता है, तो ये उसका प्रमाद होता है। कोई व्यक्ति काम भोगों का परित्याग कर सन्यासी बनता है, लेकिन फिर से वो उन्हीं काम भोगों के प्रति उसका मन मतलब आसक्त होता है, उधर झुकता है। जैसे काम यानी कि वस्तु काम है या क्लेश काम है, कोई चीजों के प्रति भी कोई लोभ जागता है तो वो भी वस्तु काम है मतलब, और क्लेश काम है तो जैसे कि रूप शब्द गंध रस स्पर्श आदि जो पंच काम गुण है, उन काम गुणों को जिन्होंने छोड़ लिया है, लेकिन उसको और भी उसकी और जो चित्त का झुकना है तो वो प्रमाद कहलाता है। तो इसी तरह से प्रमाद की व्याख्या और भी आगे आगे गंभीरता से जाती है। तो ये प्रमाद इस तरह का है जो जो है मतलब अच्छा या है उसको मतलब उसको अखंडता से बिना रखे उसमें परिहानि का जो समय आता है या जो क्षण अनुभव करते हैं वो प्रमाद का क्षण कहलाता है। तो ऐसा भाव मन में जागता है और ये चित्त का उपक्लेश है जो चित्त को मैला बनाता है। तो ये 16 प्रकार के चित्त उपक्लेश हैं। ये देखना बहुत गंभीर है, आपको सिर्फ ये मनोरंजन की तरह तो आपको थोड़ा इंटरटेन करने के लिए फ्रेश लगे, कुछ मनोरंजक बात लगे जिससे कि थोड़ा हंसे खेले, ऐसा कुछ नहीं है,
ये बहुत गहरी बात है। अगर इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ सकते हैं कि आप अपने मन के मैल को गहराई से निर्मल बना सकते हैं और इस तरह से निर्मलता पा सकते हैं कि आगे का रास्ता तो बहुत सुंदर है। आगे हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं। तो भगवान बुद्ध क्या, अभी हमने इन 16 उपक्लेशों को नोट करना है एक एक करके, ठीक है, नोट करके समझना है। वैसे आप सूत्र भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी आते हैं, लेकिन जो मैंने अर्थ बताया है वो सूत्र में नहीं है, तो उस अर्थों को समझना है, ठीक है। तो विकार कौन से है, उपक्लेश कौन से है, अविद्या विषम लोभ है, व्यापार द्वेष है, क्रोध है, उपनाह यानी कि बद जो वैर है, मक्ष भाव है, मक्ष पलासो है, ईर्ष्या है, मत्सरी भाव है, माया है, साठेय है, और थम्ब यानी कि मान है, थम्ब यानी कि थद्ध भाव है, मान नहीं थद्ध भाव, सारंभ सारंभ विक्लेश है, मान है अतिमान है, और मद है यानी प्रमाद। ये 16 प्रकार के उपक्लेश हैं, ठीक है, और इसको हमने जो अर्थ बताया उसको भी समझना है। तो आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। सखो सो भिक्खवे भिक्खु अभिज्जा विषम लोभो चित्तस्य उपक्किलेशोति इति विदित्वा अभिज्जा विषम लोभं चित्तं चित्तस्य उपक्किलेशं पजहति। अभी देखिए कितना सुंदर है, भगवान कहते कि भिक्षु, कोई भिक्खु, ये अभिज्जा यानी कि ये जो लोभ है और ये जो विषम लोभ है, ये दोनों ये चित्त का उपक्लेश है, इति विदित्वा, ऐसा जानकर उस अभिज्ञा यानी कि लोभ और विषम लोभ को अपने चित्त चित्त से उपक्लेश, चित्त के उपक्लेश को छोड़ देता है। जब वो जानता है तो उसे छोड़ देता है। मैंने पहले भी कहा है कि जब हम जानते हैं कि ये मल है, मन ये मैल है, तो उसको दूर किया जा सकता है। मैंने इसको उपमा से भी बताया था कि जैसे कोई वस्त्र है, तो वस्त्र में अगर मैल लगा हुआ है तो उसको दाग उपक्रम से पानी से और किसी साबुन से साफ किया जा सकता है। तो ऐसे इति विदित्वा, अब ये सारे उपक्लेशों को हर भिक्खु क्या करता है, पहले जानता है अपने चित्त में कोई, मतलब जब भी ऐसा भाव ये करता है कि ये लोभ है, ये विषम लोभ है, ये चित्त का उपक्लेश है, ऐसा जानते हैं और सोचता है कि अरे ये तो अकुशल है, ये मन को मैला करने वाला उपक्लेश है, इसे मुझे छोड़ देना चाहिए, इसे वो छोड़ देता है, मतलब वो अपने आप मन में ही अधिष्ठान करता है। अभी देखिए यहाँ ये जो क्रिया करने, मन को शुद्ध करने वाली क्रिया भी बाहरी कोई और व्यक्ति नहीं करेगा, अपने ही द्वारा जो प्रज्ञा जागती है, प्रज्ञा से देखा उसने अरे ये लोभ है, ये विषम लोभ है, और इसे प्रज्ञा से जान लिया और उसे वो स्वयं ही छोड़ देता है कि मैं इसका परित्याग करता हूँ। तो इस तरह से वो छोड़ देता है। उसके बाद में जो व्यापार है उसको भी चित्त का उपक्लेश है, इति विदित्वा, ऐसा जानकर उसे छोड़ देता है। क्रोध को, क्रोध है चित्त का उपक्लेश है, ये जानकर उसे छोड़ देता है, पजहति। उपनाह को, उपनाह के तौर पर देखता है, प्रज्ञा से देखता है और उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार जो मृक्ष है, पलास है, ईर्ष्या है, मत्सर भाव है, माया है, साठेय है, अथम्ब है, सारंभ भाव है, मान है, अतिमान है, अतिमानु, और मद मद है, प्रमाद है, इनको उसी प्रकार के विकार के तौर पर उपक्लेश, चित्तस्य उपक्लेशो, ये चित्त का उपक्लेश है, इति विदित्वा, ऐसा जानता है और ऐसा जानकर उसको वो छोड़ देता है। जैसे कि किसी वस्तु के प्रति अगर आपका मन लगा हुआ है और आप कहते हैं कि नहीं अभी मुझे, मैं इसके ऊपर, मैं अभी मैं इसका प्रति जो भी आ सकती है वो छोड़ देता हूँ, सारी आशा छोड़ देता हूँ, तो उसके प्रति का जो ये है समझो पीड़ा होने वाली जो भाव, वो सब शांत हो जाती है ना। तो यहाँ संक्षेप में यही है कि वहां पर उसका जो प्रति का जो लोभ था, उसके प्रति का जो जो आसक्ति थी, वो हमने छोड़ दी है, तो ऐसे ही वो छोड़ देना है। ये अपनी प्रज्ञा से ही किया जाने वाला काम है, ठीक है। जब हम मतलब स्मृति संप्रजान्य बनकर जो अपनी प्रज्ञा के साथ समझते हैं कि ये अभी मतलब ये लोभ विषम लोभ है, ये द्वेष भाव है, ये क्रोध है, आदि रूप से उपक्लेश को समझते हैं, उसको समझते हुए जानते हुए उसको छोड़ देते हैं, और भगवान कहते इति विदित्वा पमादं चित्तस्य उपक्लेशं पजयति, उस तरह से प्रमाद आदि सारे उपक्लेश 16 के 16 उपक्लेश छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है देखिए, यतो खो भिक्खवे भिक्खुनो अभिज्जा विषम लोभो चित्तस्य उपक्लेशोति इति विदित्वा
मतलब जब जब अभी देखिए यतो को जब कभी भिक्षु भिक्षु विषम लोभ लोभ और विषम लोभ चित्त का उपक्लेश है इति विदित्वा ऐसा जानता है। अविद्या विषम लोभो चित्त से उपक्लेशो पहिनो होती। अभी देखिए पहले क्या करता है, वो छोड़ देता है, और जब छोड़ देता है तो वो सचमुच दूर हो जाती है। मैंने जैसे उदाहरण बताया किसी वस्तु के प्रति अगर कोई आसक्ति तृष्णा होती है और हम छोड़ते कि अभी उसको मिलने कोई उम्मीद भी नहीं और उसके वो भी अनित्य होने वाली बात है, मैं उसके प्रति जो भी आशा है सब कुछ छोड़ देता हूँ, मतलब छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। जैसे कोई व्यक्ति किसी मतलब पानी छोड़ देता है वैसे कोई उम्मीद नहीं। तो जो पहले जो छोड़ देता है तो वो जो आशा होती है जो भी तृष्णा होती है वो वहां पर नष्ट हो जाती है उस चीज के प्रति। तो वैसे ही भगवान क्या कहते हैं, अविद्या विषम लोभो चित्त से उपक्लेशो पहिनो होती। तब जब ऐसा जानता है मतलब छोड़ जानते हुए छोड़ता है तब वो उसका विषम लोभ और लोभ मतलब प्रहण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब उसके चित्त में वो नहीं रहता है। तो उसी प्रकार ये सारे जो उपक्लेश है 16 प्रकार के वैसे ही वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि द्वेष है, क्रोध है, बद्धवैर है, मक्ष है, पलास है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, माया है, साठय है, अंब है, सारंभ है, मान है, अतिमान, मद और प्रमाद, ये सारे उपक्लेश वो प्रहण हो जाते, पहिनो होती, ये प्रहीन हो जाते हैं। तो इस तरह से जब वो प्रहीन हो जाते हैं तब वो सही मायने में वो क्लेशों को समझता है और क्लेशों को उसके उत्पत्ति स्वभाव को समझता है और उसके नष्ट होने के स्वभाव को समझता है। तो ऐसा समझने के बाद ये उसका बोध, ये कल्पना नहीं होती है, ये उसका अनुभव होता है। ये मुझ में ये लोभ था, ये विषम लोभ था और ये मैंने उसको छोड़ दिया और ये उसको अभी पूर्णतः नष्ट हो गया है। तो ये उसका अनुभव होता है, मतलब केवल मानने वाली श्रद्धा नहीं होती है, पूरे जानने वाली श्रद्धा होती है कि मैं उसको जान रहा हूँ कि ये विकार है, ये विकार का दूर होना है, छूट जाना, ये परिपूर्ण नष्ट हो जाना है। तो इस तरह से उसको अपने अनुभव से जब जानता है, उसको बोध कर लेता है, तब जाकर जो श्रद्धा जागती है ना, तो वो श्रद्धा को फिर और कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरा कहे कि अरे नहीं ऐसा नहीं, लोग कोई तो और कोई काल्पनिक दुनिया है जो ऐसा ऐसा कुछ हो, रंग की होती है, वो उसका उसका जो श्रद्धा है उस चीजों पर जैसे बैठी हुई है वो कभी अलग नहीं होती। इसीलिए कहते हैं उसकी उस प्रति की जो श्रद्धा है वो अकंप बनती है, अविच्य प्रसाद बनती है। तो वो भी जानता है और फिर ये भी देखता है कि भगवान बुद्ध में ये सारे उपक्लेश परिपूर्णतः नष्ट हो चुके हैं और भगवान सभी तृष्णाओं से मुक्त, सभी उपक्लेशों से, आश्रयों से मुक्त होकर अरहंत बने हैं। तो ये जो बात है भगवान अरहंत है, इन्हीं उपक्लेशों को क्लेशों को नष्ट करने के कारण विमुक्त सम्यक संबुद्ध उन्होंने परिपूर्ण रूप से उसे ज्ञान अवबोध कर लिया है। तो भगवान के हर एक बोधी को केवल मानने से वो अभी ये नहीं करेगा, उसकी श्रद्धा केवल मानने वाली नहीं होगी कि भगवान अरहंत है, बाबा हम मानते हैं कि भगवान कोई अरहंत होगे, कोई ऐसा कोई काल्पनिक वेद या ऐसी कोई स्थिति अवस्था होगी जो बहुत अद्भुत होगी, अभी तो हम नहीं जानते कि क्या होगा कैसी होगी, लेकिन हम मानते हैं कि वो है। लेकिन जब इस धर्म के स्वभाव को अपने प्रज्ञा से अपने जीवन में धारण मतलब ये करता है, जान लेता है, प्रज्ञा के आधार पर जान लेता है कि ये उपक्लेश है और उपक्लेशों को इति विदित्वा ऐसा जान करके छोड़ देता है और मुझ में वो अभी नष्ट हो चुके हैं, प्रहण हो चुके हैं और प्रहण कर देता है और उसको भी प्रज्ञा से जान लेता है सती संभजनता के साथ। तो ऐसा जानने के बाद जो उसकी श्रद्धा बैठती है कि भगवान अरहंत क्यों है, तो उस श्रद्धा में उसकी कब वो अश्रद्धा अडिग बनती है, उसकी श्रद्धा कभी कंपित होने वाली नहीं होती। इसलिए भगवान आगे भगवान कहते हैं सो बुद्धे अविच्य प्रसादेन समन्नागत, तो उसकी श्रद्धा भगवान बुद्ध में ऐसी अकंप्य होती है कि उसमें अडिग होती है, अचल होती है। जैसे भगवान कैसे है, इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध आदि जो हमने पहले आदि उपदेशों में देखा है, जैसे भगवान के बोधि गुण, तो उन बोधि के गुणों के प्रति उसकी श्रद्धा अचल अचल और अकंप्य बनती है, अविच्य प्रसाद बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये प्रज्ञा सहित जब श्रद्धा जागती है तभी वो श्रद्धा अविच्य प्रसाद बनती है, अकंप्य श्रद्धा बनती है। ठीक है, तो उसी प्रकार धर्म के गुणों के प्रति अभी देखिए कितना सरल ये है, मतलब धर्म का रास्ता मतलब स्वाख्यात है,
मतलब भले प्रकार से बताया गया है, सांदे ठीक है, अकालिक है, यही पर से अपने जीवन में धारण करो, उसके प्रतिफल को, उसके स्वभाव को जानो, देखो कैलान योग के, और अपने आप को ही इस तरह से निर्मलता को और मतलब ले जाने वाली, यानी कि श्रोतापन्न आदि अपने भीतर ही उसको अवबोध करते हुए मतलब जानने योग्य ये धर्म है। तो ये अपने अनुभव से जानने के कारण धर्म के प्रति भी उसकी श्रद्धा अकम्प बनती है, और संघ के गुणों के प्रति भी श्रद्धा अकम्प बनती है। उसकी श्रद्धा कैसी बनती है? अचल अकम्प पे बनती है, जैसे कि सुपटिपन्नो उजुपटि आदि भगवान के श्राव संघ है, तो संघ के प्रति ऐसे। अभी देखिए आगे भगवान सूत्र में क्या कहते हैं, यतो दिखो पनस, यतो दिखो पनस, जब कभी ऐसे चतंग होती, ये जो 16 उपक्लेश है, चतंग यानी कि जिसने परित्याग कर लिया है, वंतंग उसने जो वमन कर लिया, अपने अपने मन से पूरे उसे बाहर निकाल दिए हैं, मुत्तं उससे इन उपक्लेशों से वो उसका चित्त विमुक्त हो गया, उसका पूरा अलग हो गया, पटि निस्सट्टं यानी कि उसको मतलब छोड़ दिया है, परित्यक्त हो गया है, सो बुद्धे अवेच्य प्रसादेन समन्ना गतो मी लभति अथ वेदं धम्म वेदं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये बोध होना, ये जब बोध होता है आप लोगों को, मतलब ये स्थिति अवस्था आती है, तभी आप समझ सकते हैं कि मैं धर्म में उन्नति कर रहा हूं। अगर आपको अर्थ वेदन धम्म वेदन नहीं होता है, आप मतलब कि धर्म और अर्थ अर्थपरि संप्रदाय का बोध नहीं होता, आप धर्म में पकेंगे ही नहीं। तो जब वो समझ लेता है कि जब इस प्रकार के उपक्लेशों को वो छोड़ देता है, और उसे चित्त उसे अलग होता है, विमुक्त होता है, तब क्या होता है, सो बुद्धे अवेच्य प्रसादे प्रसादेन समन्ना गतो मी, तो वो अपने अवबोध से खुद ही जानता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कहता है, अरे तू कितना श्रद्धावान व्यक्ति है, कितना भला आदमी है, ऐसा नहीं कहेगा, दूसरों ने कहे हमें थोड़ी सी हंसी आती है, मुस्कुराते मन ही मन की, हाँ उसने मुझे जान लिया कि मैं सचमुच श्रद्धावान, किसी ने कहा अरे आप कितने दानी हैं, कितने अच्छे हैं, वो मन में बहुत अच्छा गुब्बारे फूटते हैं मन में, लेकिन ऐसे मतलब खाली गुब्बारे मन में नहीं आते हैं, है ना, लड्डू नहीं फूटते हैं, तो उसका जो बोध होता है समन्ना गतोमि इन अचल श्रद्धा से युक्त मैं बना हूँ, ये बोध अपने आप में जागता है, और इससे लभते इससे उसको प्राप्त होता है अर्थवेदन, मतलब यानी कि उसको सही अर्थ को उसका वो जान लेता है कि मैं इनसे युक्त हूँ, ये उसका अर्थ मतलब ये उसका अर्थ जो बोध है वो समझ लेता है। धम्म वेदन इन धर्म गुणों को अपने भीतर में है। अभी देखिए धारण करे सो धर्म, ये वाक्य हमने बहुत बार सुना है, लेकिन ये धर्म ही जब अपने भीतर इस तरह से प्रतिष्ठित हुआ जाता है, और समन्ना गतो भी ये अपनी प्रज्ञा से जान लेता है, मतलब वो उसी प्रकार फिर धर्म में अविच्य धर्म में के प्रति जो अविच्य प्रसाद से युक्त हूँ, संघ के प्रति जो अचल श्रद्धा में प्रतिष्ठित मैं हूँ, ये उसका जब अर्थवेद यानी कि उसको मतलब जान लेता है, उसके धर्म धर्म को स्वभाव को अपने भीतर जान लेता है, और इससे लभति धम्मोपसंहितं पामुज्जन। अभी ये स्टेप आती है आध्यात्मिक क्षेत्र में, मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसी से लभति इसी से मिलती है क्या, धर्म के अनुसार, क्योंकि वो धारण किए हुए धर्म के कारण हम कारण हमें प्रमोदित भाव जागता है, कहाँ जागता है, मन में जागता है। ये मन में प्रमोदित भाव आज तक क्यों नहीं जागा, क्योंकि हमने इन उपक्लेशों को कभी समझा ही नहीं, पता ही नहीं चला कि उपक्लेश है, और हम बैठ जाते हैं ध्यान के लिए, और हम बस अभ्यास करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, कुछ पता बता, देखो यंत्रवत चल रहा है, कुछ आगे नहीं है। तो ये जो धम्मोपसंहितं धर्म धारण किए हुए धर्म के कारण जो प्रमोदित भाव जागता है, तो ये जागना इन धर्म के धारण करने का पहला स्वभाव है, और इसीलिए भगवान कहते हैं प्रमोदितस प्रीति जायति, और ऐसे अगर मन में प्रमोदित भाव जागता है तो उसका हृदय प्रीति से भर जाता है, बहुत प्रमोदित भाव से प्रीति से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, तो उसमें कहीं चित्त में व्याकुलता पीड़ा परेशानी टेंशन ऐसा कुछ नहीं रहता, उसका चित्त प्रीति से भर जाता है, प्रीति मनस कायो पसंबदी, और जिसके हृदय में इस तरह की प्रीति जागती है उसकी काया भी एकदम प्रशब्द होती है, शांत होती है, मतलब उसकी चंचलता सारी शांत हो जाती है, उसकी काया स्थिर होती है, और पसद कायो सुखम वेदिति, और जब उसका
क्योंकि प्रीति इसलिए जागती है क्योंकि उसका मन प्रसन्न मतलब एकदम शांत बना है। क्लेशों से जो उबलने वाले क्लेश वो सारे दूर होने के बाद चित्त की शांति उत्पन्न होती है, और इसी कारण काया भी परिशुद्ध होती है और प्रसिद्ध कायो सुखम वेदिति। इस कारण से उसके शरीर में जो भारीपन रहता है, हल मतलब जो तनाव खिंचाव सा रहता है, जो चंचलता आती है शरीर में, वो सारी दूर हो जाती है, काया प्रशुद्ध हो जाती है और इससे वो सुख अनुभव करता है। देखिए सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सही मायने में सुख अपने भीतर इस तरह से जागता है। लोग सुख की खोज करते हुए किसी गार्डन में जाते हैं, किसी पेड़ों को देखकर, नदियों को देखकर सुख माँ देखते हैं, लेकिन सही में सुख जो है अपने भीतर है और इस तरह के धर्म गुणों को धारण करते हुए आता है। एकदम से डायरेक्टली स्टेप शॉर्टकट नहीं है, ये रास्ता है और इस स्टेप बाय स्टेप जाकर ये अवस्था आती है सुखिनोच। हम असद खाय सुखम वेदिति, इस तरह से प्रसिद्ध होने के बाद सुख अनुभव करते हैं। सुखिनो चित्तं समादीयति, और इस तरह का जब कोई व्यक्ति मतलब सुख अनुभव करता है और किसी साधना का आलंबन लेकर आरंभ करता है, क्षण मात्र में, एक क्षण नहीं लगता है, उसका चित्त एकाग्र होता है, समाहित होता है और ध्यान साधना में स्थित होता है। तो उसी प्रकार भगवान बुद्ध के प्रति जो अचल श्रद्धा है, संघ के प्रति जो अचल श्रद्धा है, उन धर्म गुणों से युक्त हो, इससे वो उस अर्थ को समझता है, धर्म को अपने भीतर देखता है और उस कारण से ही उसके भीतर प्रीति प्रमोद जागता है, इससे प्रशब्द जागती है, सुख अनुभव करते हुए अपने चित्त को समाहित करता है। धम्मोपसंहितं पामजं, धर्म मतलब अपने धारण किए हुए धर्म के अनुसार, धर्म के कारण उत्पन्न हुए प्रमुदित पामुज्य भाव को, प्रमुदित भाव को अनुभव करता है और इससे प्रीति जागती है, प्रीति से प्रशब्द जागती है, प्रशब्द से सुख अनुभव होता है, सुखिनो चित्तं समादीयते, इस तरह से वो समाधि तक अभ्यास करता है। भगवान आगे कहते हैं, सखो सो भिक्खवे भिक्खु एवं सीलो एवं धम्मो एवं पन्नु। अभी देखिए सखो यानी कि वह जो भिक्खु जो इन इस तरह के जो धर्मों को संहितंग आदि गुणों को उन्होंने प्रीति आदि गुणों को परिपूर्ण करके इस धर्म की अनुभव जन्य स्थिति को पा लिया, अनुभव स्थिति तक उसने अनुभव कर लिया, मतलब उसका उसका स्थान आ गया है, मतलब जो उसकी यात्रा जो धर्म को धारण करते हुए यहाँ तक आ गया। सखो सो मतलब वह जो भी जो बनता है, एवं शीलो इस तरह के शील आदि गुणों से युक्त बनता है, एवं दमो इस तरह के धर्म गुणों से धारण किया व्यक्ति बनता है, एवं पन्यो और इस तरह के अर्थ और धर्म को दोनों गुणों को अपने में देखता हुआ एक उसकी प्रज्ञा बनती है। तो एवं पन्यो वो उसकी प्रज्ञा बनती है। शालीनं चेपि पिंडपातं, मुझे अभी ये भिक्खु के बारे में बताया है कि अगर वो ऐसा भिक्खु इस तरह की धर्म अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति को अगर कोई गृहस्थ बहुत प्रणित से प्रणित भोजन दे, उसको कोई अंतराय नहीं, मतलब उसमें दिया है पिंडपातं भुंजत विचित्र काढ़कं अनेक सुपं, मतलब बहुत सारे अनेक व्यंजनों के साथ, बहुत सारी सब्जियों आदि के साथ में बहुत स्वादिष्ट भोजन देता है, उसे नेवस्त्र तंग होती अंतराय, उसको कोई अंतराय नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे उसमें ये बताते हैं कि जैसे संयथापि भिक्खवे वत्थं, जैसे कोई वस्त्र संकलितं मलग्गहितं, जो कोई मैला मटमैला वस्त्र हो और कोई किसी पानी से और किसी साबुन आदि से कोई इसे साफ कर दे, आगम परिशुद्ध होती पर्युदात, और वो बहुत कम समय में ही वो शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के उपक्रम से। वैसे ही जैसे कि फिर और उदाहरण देते, जैसे किसी उल्का मुख में कोई सोना है चांदी है उसको तपाते हैं और तपा तपा के उसको निर्मल बनाते हैं, तो उसी तरह से एवं सीलो उस प्रकार के सील गुणों से धारण से। अभी देखो ये सील गुण को ही बाहरी दुनियादारों में नहीं है, किताबों में नहीं है और कहीं नहीं है, यह अपने धारण के चित्त से मतलब चित्त संतति में और शरीर शरीर के आधार पर और चित्त के आधार पर धारण किए हुए गुण गुण है। तो एवं सीलो ये इस तरह के शील गुणों को धारण करता है, एवं धम्मो इन गुणों को धारण कर धर्म आदि गुणों को धारण करता है, एवं पन्यु इस प्रकार के बोध से युक्त प्रज्ञा से युक्त और इस प्रकार का भोजन करता है, तो उसे कोई अंतर नहीं। कि ये अगर गृहस्थ व्यक्ति है तो गृहस्थ व्यक्ति को भी ये जो बाहरी दुनियादारी की मोह माया है, ये घर घरदार है, गाड़ी बंगला आदि बहुत सारी चीजें हैं, वो जैसे भी यूज करे लेकिन उसको वो ये नहीं कर सकते, उसको मोहित नहीं कर सकती है, वो उसका सही अर्थ समझते उसका उपयोग करते हैं। तो ये धर्मवान व्यक्ति का स्वभाव, भगवान के शासन में ऐसे ही धार्मिक लोग रहते थे, उपासक भी हो सन्यासी प्रवर्जित भी क्यों ना, तो उसे कोई
कोई मुक्ति के लिए, मतलब ये कोई वस्तु या कोई चीज मुक्ति के लिए बाधा नहीं बनती, उसके चित्त को मैला जैसे बांध दे ऐसी कोई बात नहीं, वो निरपेक्ष भाव से रहता है और उनसे अलग होकर जैसे कि कीचड़ से निकले हुए कमल की भांति अपने आप को निर्मल बना, अपने चित्त को निर्मल बनाए रखता है। वो कोई मल कोई कीचड़ उसको चित्त को छूते नहीं, ये जो 16 प्रकार के मैल है उसको छूते नहीं है, निर्मल होता है, इसे कहते हैं एक विशुद्ध अवस्था। तो ऐसी चित्त की अवस्था जब ये करता है, तो इस तरह की चित्त की शुद्ध अवस्था आने के बाद, अभी देखिए आगे के उसके बाद की अवस्था, सो मेत्ता सहगतेन, टाइम कितना हो ठीक है शॉर्ट में बताता हूँ, तो वह व्यक्ति, क्योंकि मैं जब अगले प्रवचन में ब्रह्म विहारों के कर्म स्थानों के बारे में सिखाऊंगा तो ये आगे भी जाए, क्योंकि हम कर्म स्थानों के बारे में देख रहे हैं तो ये भी आएगा, तो इसमें संक्षेप बताता हूँ। तो वह व्यक्ति इस तरह की स्थिति तक आने के बाद, वह व्यक्ति मैत्री ध्यान, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इन ब्रह्म विहारों की भावना, मतलब सभी चारों दिशाओं अनुदिशा और ऊपर नीचे की दसों दिशाओं को अप्रमाण रूप से अपने चित्त चित्त से स्पर्श करते हुए वो साधना करता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आदि ब्रह्म विहार की, एक महगत रूप से, जैसे कि हम अगर आंख बंद करते हैं तो हम अपने इस रूम के स्पेस को मन से स्पर्श कर सकते हैं, फिर इस गांव के जो एरिया है उतने प्रमाण में रहने वाले प्राणियों के प्रति, फिर एक नगर में, एक राज्य में, देश में, पृथ्वी के आकार में और एक चक्रवाल के प्रमाण में, जित अपने मन को इस तरह से इतना मतलब फैलाते हुए, महगत यानी बड़ा बड़ा बनाते हुए उस एरिया में रहने वाले सारे प्राणी, मतलब इंक्लूड सारे प्राणियों के प्रति मैत्री करता है, महगत और अप्रमाण, इस तरह से दोनों प्रकार से मैत्री भावना का अभ्यास करता है। और इस तरह से कहते हैं मतलब जो सभी दिशाओं कर सब दि सब सब तत्ता सब्बावंतं लोकं उपेका सहगतने, जो भी ब्रह्म विहार के हैं, चेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन, यानी विपुल यानी बहुत प्रमाण, प्रमाण महगत यानी कि अपने मतलब आकार के प्रमाण महागत, अपमान के लिए आप एक एक दिशा में अप्रमाण रूप से अवेरेन अव्यापज्येन फरित, और ये कैसे होता है अवेरेन यानी कि जहां कहीं अपना मन जितने भी दूर ले जाए वहां एक सत्व भी नहीं देखता जिससे कोई वैर हो, मतलब वो सारे प्राणी वैर से मुक्त हो, स्वयं भी मतलब स्वयं के भीतर किसी के प्रति कोई वैर नहीं है और दूसरा दूसरे के लिए भी हम वैरी नहीं है, इस तरह से अवेरा हम तो अव्यापज्य किसी के प्रति उसे प्रा कोई द्वेष नहीं है, इस तरह से आपने इस चित्त को फैलाते हुए विहार करता है। और इस तरह का विहार करने करते हुए साधना करते हुए वो अपनी स्थिति को समझ लेता है, सो अत्थि इदं अत्थिहीनं पनितं अत्थिमस्य संज्ञागतस्य उत्तरी निस्सरन्ति पजानाति। अभी देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अभी ये स्तर भी स्टेप बाय स्टेप ही आने वाला है, आगे एक ही झटके में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत स्टेप बाय स्टेप, जब यहाँ तक आते हैं व्यक्ति तो व्यक्ति समझता है कि ये ब्रह्म विहार ये साधना का ये स्तर है, अपनी चित्त की स्थिति है, उसका भी समझ लेता है कि अति हीन उसका भी एक निचला स्तर भी है, अति प्रणित उसमें बहुत से यानी हीन यानी कि लौकिक स्तर पर भी आता है और प्रणित यानी लोकोत्तर स्तर पर भी उसकी अनुभूति है, और ये भी समझता है कि इस मतलब ये जो भी दिखता है यहाँ लौकिक स्तर पे भी हीन प्रणित होगा तो इससे भी आगे जाने का रास्ता है, यानी कि जो भी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आदि जो संन्यागत जो बातें हैं उससे भी आगे मतलब उससे भी छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली जो शून्य है मतलब जहाँ मतलब कोई संज्ञा नहीं है, मतलब सारी संज्ञाएं सभी वेदनाएं भी जहाँ समाप्त हो जाती है उस स्थिति को भी प्राप्त किया जाता है, यानी कि शून्य अवस्था को भी प्राप्त किया जा सकता है, उत्तरी निस्सरण यहाँ जहाँ कहीं कोई छंद राग नहीं है, छंद मतलब द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, मतलब और इसको वो जानता है, और इस तरह के तस्य एवं जान तो उसका जो ऐसा जानना एवं पश्य तो इस प्रकार से जानते हुए देखते हुए उसके जो कामाश्रव है भवाश्रव है अविद्याश्रव है उसका इन सभी आश्रव चित्तं विमुच्यति उसका चित्त विमुक्त हो जाता है, और विमुक्त मीते ज्ञानं होती, और जब ऐसा चित्त विमुक्त होता है तो ये मैं विमुक्त हो गया हूँ ये ज्ञान उसको ही होता है, इस दुनियादारी को ये बाद में हुए लेकिन ये भी सबको नहीं होता है, बस पर्टिकुलर किसी जो सुशिक्षण था जो मैं विमुक्त हो गया हूँ
मैंने वो अवस्था प्राप्त कर ली, वो स्वयं ही जान क्षीणा जाति उसी तंग, मैंने अपना जो जन्म लेने वाली जो स्वभाव है उसको मैंने क्षीण कर लिया, उसी तंग ब्रह्मचर्य, मैंने इस जो निर्वाण का मार्ग है उसको मैंने परिपूर्ण कर लिया, मतलब उसे समाप्त कर लिया। खत्म करनी, मेरे जो करनीय था वो मैंने कर लिया, ना परंगित, और मुझे कुछ करने के लिए शेष नहीं है। और भगवान कहते हैं, इसे ही कहते हैं परिपूर्ण शुद्ध होना, निर्मल होना। जैसे कोई व्यक्ति स्नान सशरीर शीर से स्नान करता है और अपने आप को निर्मल बनाता है, तो उसी प्रकार से ये धर्म रूपी ये जल है, धर्म रूपी गंगा है, जिससे व्यक्ति परिपूर्ण शुद्ध और निर्मल बनता है। ये सही धर्म स्नान है, ऐसा भगवान बताते हैं। ऐसा बताने के बाद बाजू में एक सुंदर एक भारद्वाज बैठा होता है, ब्राह्मण बैठा होता है, वो भगवान को कहता है, वो तो प्रसन्न होता है लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार कहता है कि भगवान गच्छति पन भवं गौतम बाहो कं नदी सिनायुं सिनायुतुं थी। भगवान कहते वो गौतम यानी भगवान कहते भगवान कहता है कि चलिए हम बाहो का नाम की नदी पर हम स्नान करने चले जाते हैं। जिससे कि भगवान कहते हैं क्या करेगा ये बाहु का नदी, तो कहते हैं कि इससे बहुत सारे लोगों के पाप धोते, लोग सहमत है। तो भगवान कहते हैं कि जो पापी है, बहुत बुरे बुरे से बुरे कर्म करने वाला है, ये नदी, ये गंगा, ये यमुना, सरस्वती, ये नदियां क्या करेगी, उस पापी के पाप को नहीं धो सकती है। यही जो व्यक्ति अपने काया वाचा मन को शुद्ध, मतलब जो शील सदाचारा को धारण करता है, उसका मतलब शुद्ध आचरण करता है, उपोषित आदि का पालन करता है, शुचि कर्म यानी कि शुद्ध कर्म करता है और सदा संप्रजन्यता के साथ रहता है, वो यही उस मतलब यही उसका सही स्नान है। क्योंकि अपने चित्त को सही माने में निर्मल करता है, अपने आप को पूरा जीवन को अपने निर्मल बनाता है, इससे बढ़कर और क्या मतलब हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं सब भूतेषु करो हि क्षेम तन, और सभी मतलब जो भी सत्व लोक में है तो उसमें सबसे जो क्षेम थे उत्तम बात है, उस चीज को करता है तो सबसे बड़ा ये होता है स्नान होता है। और भी कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, प्राणी की हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता और बहुत तीन रत्नों के प्रति श्रद्धावान होता है, मत्सर भाव आदि को त्याग देता है, उदार भाव होता है, क्या मतलब दानशूर होता है, और ऐसे व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए ये गंगा का पानी या इसका पानी क्या करेगा, वो तो सही माने में शुद्ध हो चुका है। ऐसा कहने के बाद वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है, कहता है आश्चर्य है भगवान, बहुत अद्भुत है, कि आपने जैसे ढकी हुई चीज को किसी खुला कर दे, नहीं ढकी हुई चीज को किसी ने खुला कर दे, भटके हुए रास्ते को मतलब रास्ते पर भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता बता दे, वैसे ही आपने हमें धर्म का उपदेश दिया है। और याचना करता है कि भगवान आपके धर्म में मुझे भी प्रवज्जा मिले, और भगवान अनुकंपा करके प्रवर्जित करता है करते हैं। और वो व्यक्ति उपसंबद्धता पाने के बाद बहुत कम समय में, बहुत कम समय में ही एको उपकट्ठो, वो भारद्वाज ब्राह्मण अकेला एकांत में रहते हुए अपमत्तो अप्रमाद यानी अखंड रूप से इन धर्म गुणों को धारण करता हुआ आता भी अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ वीर्य करने वाला आता भी पही तत्व उस और उसकी उस अवस्था तो पाने के लिए अपना समग्र जीवन, पूरा तन, पूरा मन, अपना पूरा लगा दिया, पूरा समर्पित भाव कर लिया, पूजा कर लिया, और विहरंत उस प्रकार से रहते हुए बहुत कम समय में उसने भी जो इस बुद्ध शासन में जो कुलपुत्र अपना घर बार छोड़कर जो सन्यासी बनते प्रवर्जित होते हैं और उस प्रवचित होकर जो ब्रह्मचर्य का जीवन या निर्वाण मार्ग का अनुगमन करते हैं, उस निर्वाण मार्ग को संपूर्ण कर लेते हैं और इसी जीवन में निर्वाण को अभिज्ञात कर, साक्षात्कार कर, उसे प्राप्त कर वो विहार करते हैं। और वे भारद्वाज ब्राह्मण भी खीनाश्रव यानी कि अः अर्हंत व्यक्ति बन जाते हैं, उसकी जाति क्षीण हो जाती है, ब्रह्मचर्य मार्ग परिपूर्ण होता है, करणीय जो था वो सब कुछ कर चुके होते और करणीय कुछ शेष नहीं रहता है, इस तरह से वो लोक में प्रसिद्ध होते, अरहंतों में से एक होते। तो ऐसा ये निर्वाण गामी मार्ग है, ऐसा अपने चित्त को सुविशुद्ध बनाने वाला ये मार्ग है। और इस मार्ग को अगर आप समझेंगे तो आप भी इसको बार बार सुनिएगा और उसके हर एक स्टेप को समझिएगा कि आखिर हमें कौन से स्टेप किस तरह से पूरी करनी, एकदम प्रैक्टिकली है, और ऐसा अगर करेंगे तो आप सचमुच इस धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अगले समय में हम एक पर्टिकुलर ऐसा एक सेशन लेंगे
जो इसी वत्थुपम सूत्र के ऊपर एक दो चार दिन बाद एक ऐसा सेशन लेंगे जहाँ प्रश्न उत्तर, जो अभी इसको सुनेंगे आप नोट कीजिएगा, उसको समझिएगा, और भी कुछ समझ में कुछ बात आ जाए तो हमें उस पर प्रश्न पूछेगा और अपने जीवन में धारण कीजिएगा, और उसके अर्थ को समझते हुए, धर्म को समझते हुए उसके महान प्रतिफल को प्राप्त कीजिएगा। इससे बहुत मंगल होगा। ये जो मिला हुआ दुर्लभ जीवन है, मनुष्य का जीवन है, इसे सार्थक बना है और भगवान के सच्चे दायाद उपासक बने। आपको ये धर्म देशना, आप सबको इस धर्म के रास्ते चलने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने करके आशीर्वाद करते हैं। और विशेष रूप से हम 2 ही मिनट में अनुमोदन करते हैं क्योंकि हम हमें जाना भी है। तो हमने यहाँ हमारे विहार में भगवान बुद्ध जी के धातुओं की वंदना की है और अरहंतों के धातुओं की वंदना की, आप सबके लिए प्रदर्शन और सबने वंदना की, सबके लिए पुण्य का अवसर दे दिया। और हमने उन अरहंतों की भगवान की वंदना का पूजा करते हुए अग्र पुण्य अर्जित कर लिया है। ये सारा पुण्य और ये धर्मदान का पुण्य भी आप सबको अनुमोदन कर समान रूप से अनुमोदन करता हूँ, और इस पुण्य से आप सबको जल्द से जल्द तक इस संसार दुखों से मुक्त होने के लिए ये पुण्य हेतु प्रत्यय बने करके अनुमोदन करते हैं और आशीर्वाद करते हैं। सबका मंगल। साधु साधु साधु। ठीक है, अभी हम बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना लेके सेशन वाइंड अप मुझे करें। लगता है समय बहुत कम है, कोई बात नहीं, क्षमा ओके, तेरुन क्षमा याचना कर देते हैं। सभी उपासक उपासिका का हाथ जोड़े हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्यं खममिभन्ते भूरि पञ्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्यं खममिधम्म संदिधिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्यं खममि संघ कुय्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। सभी उपासकों के लिए एक सूचना है कि हम क्या करेंगे, इसी सूत्र के ऊपर 3-4 दिन के बाद एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे। आप इसको अभी समझिएगा, उसको नोट कीजिएगा, जो भी प्रश्न है एक ऐसे बनाइएगा और इसको एकदम प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण करने के लिए इसको समझना है। इस भाव से हम